नमस्कार दोस्तों, मैं सिमर आप सबका स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सबके अपने चैनल में कार ऑडियो गुरु हिंदी में। तो दोस्तों आज हम जानेंगे लो पास फिल्टर के बारे में। तो दोस्तों ये एक्चुअली एक रीअपलोड है, पिछली वीडियो में मैं बता तो सही रहा था बट मैं गलती से उल्टा बोल गया। एक्चुअली मैं बहुत जब रात को फ्री होता हूँ 11:30-12 बजे तो मैं वीडियो शूट करता हूँ, तो मैं भी एक इंसान हूँ, गलती किसी से भी हो सकती है। तो चलिए मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूँ फ्रेंड्स आपको। तो देखिए दोस्तों जो LPF फिल्टर है, सबसे पहले तो आपने ये जो क्रॉसओवर दिया हुआ है इसमें इसको पहले आपने लो पास पे सिलेक्ट कर लेना है, सेंटर में दिया हुआ है, अभी लो पास फिल्टर पे चल रहा है, ठीक है। तो दोस्तों अब लो पास फिल्टर जो है आपने जो आपके जो ये जो सबवूफर्स हैं, जो ये सोनी JBL पायोनियर एंड ये जितने भी मतलब कि ये जो एंट्री लेवल सबवूफर्स हैं 250 से 400 RMS तक की रेंज में, तो ये सारे बहुत अच्छे सबवूफर्स हैं। तो कुछ लोग एक्चुअली करते क्या हैं दोस्तों कि ये जो एम्पलीफायर्स हैं, जैसे मैंने आपको बताया था सबको जितने भी हैं 4 चैनल, तो ये यूजुअली दोस्तों मोस्टली अराउंड अबाउट 200 वाट के होते हैं। तो अब इसमें ये लोग करते हैं क्या कि ये लोग लो पास फिल्टर बहुत ऊपर सिलेक्ट कर देते हैं उसमें, तो हाई फ्रीक्वेंसीज भी मोस्टली हाई तो खैर नहीं, मतलब कि राउंड अबाउट 80, 90, 100, 120, 125 ये फ्रीक्वेंसीज भी सबवूफर प्ले कर देते हैं। तो उसमें होता क्या दोस्तों कि ये जो ये वाले जो एम्पलीफायर्स हैं जितने जो 4 चैनल हैं जो चीप हैं जो सारे ही मोस्टली यूज करते हैं सबसे ज्यादा कॉमन, इनके अंदर जब आप LPF फिल्टर इतना ऊपर सिलेक्ट करते हैं दोस्तों तो इनमें वोकल इंट्रोड्यूस हो जाता है आपके सबवूफर में। तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, आपको या तो अपना लो पास फिल्टर है उसको सबसे लोवेस्ट पे सिलेक्ट कर लें आप। इनमें तो मोस्टली जो 4 चैनल है 30 होता है या 40 होता है, तो इसमें मैंने बिल्कुल ही 30 किया हुआ है। अगर आपके कोई और है 4 चैनल तो आप उसको 40 में भी कर सकते हैं, यहाँ पर 40 हो गया होगा मुझे लगता है, अब 40 हो गया। तो कुछ मेरे दोस्त हैं वो बोलते हैं 80 तक भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों देखिए अब हर एक बंदे की अपनी अपना सजेशन है। 80 पर अगर मैं इसको यहाँ पर सिलेक्ट करता हूँ तो देखिए फ्रेंड्स इन एम्पलीफायर्स में वोकल इंट्रोड्यूस हो जाता है सबवूफर के अंदर, यू आप इजीली सुन सकते हैं वोकल को सबवूफर से आते हुए। तो बिना किसी चीज़ को चेक किए हुए उस पर कॉमेंट करना ठीक नहीं। तो दोस्तों अब मुझे लगता है कि सबको पता चल गया होगा कि LPF देखिए जितना हम इसको कम करेंगे, देख जैसे मैंने 30 पे इसको सिलेक्ट कर दिया तो जो ऊपर की इसमें जो इसकी जो क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी है लो पास फिल्टर की वो 30 to 250 है। तो जैसे अगर मैं इसको 30 पे सिलेक्ट कर रहा हूँ तो जो इसकी ऊपर की फ्रीक्वेंसी है वो अटेन्यूएट हो जाएंगी, वो मतलब कि वैसी नहीं चलेंगी जैसे उन्हें चलना चाहिए। तो दोस्तों प्रॉपर आउटपुट के लिए सबवूफर की कि उसमें से आवाज़ भी ना आए और वो अच्छा चले, तो आप अपना सबवूफर 30 या 40 Hz पे ट्यून कर सकते हैं एम्पलीफायर से। ये बॉक्स पे भी बहुत डिपेंड करता है दोस्तों, मैं बॉक्स की भी वीडियो बनाऊंगा बहुत जल्दी, एक्चुअली मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा आजकल वीडियो बनाने का जल्दी से जल्दी। तो दोस्तों आप बने रहिए चैनल के साथ, मैं न्यू वीडियोस भी जल्दी से जल्दी अपलोड करूंगा, मैं प्रॉपर वीडियोस विद फ्रीक्वेंसी चार्ट भी अपलोड करूंगा जल्दी से जल्दी। जोन से मेरे भाई अपनी नॉलेज की बात कर रहे हैं, कोई बात नहीं, एक 5000 RMS के एम्पलीफायर में और एक 200 वाट के एम्पलीफायर में दोस्तों जमीन आसमान का फर्क है। एक 3000 वाट RMS एंड एक 300-400 वाट RMS के सबवूफर में भी जमीन आसमान का फर्क होता है। बट लोग आजकल क्या करते हैं, यू शुड कंपेयर एप्पल्स विद एप्पल्स एंड ऑरेंजेस विद ऑरेंजेस। तो बट चलिए कोई बात नहीं, कुछ ईगो प्रॉब्लम होती है लोगों में, कोई बात नहीं, हमें तो अपना काम करते रहना है। लोगों के बोलने से क्या होता है, जिन्होंने गलत बोलना है वो गलत बोलेंगे, जिन्होंने अच्छा बोलना है वो अच्छा बोलेंगे। तो फ्रेंड्स मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूँ, LPF फिल्टर आप अपना या तो 30 पर सिलेक्ट कर लें या 40 पर सिलेक्ट कर लें, ठीक है। अगर आप इससे ऊपर जाएंगे 60, 70, 80 में तो आपके वूफर में वोकल इंट्रोड्यूस हो जाएगा और आपका वूफर उतना अच्छा भी नहीं चलेगा, ठीक है दोस्तों। 30 या तो आप इसको पूरा ही बंद कर दें LPF को 30 पर सिलेक्ट कर लें, या आप इसको थोड़ा सा ऊपर खोल लें 40 पर सिलेक्ट कर लें, आप इसको 40 या 45 पर सिलेक्ट कर लें, बहुत अच्छा आपका सब वूफर चलेगा दोस्तों, कोई वोकल नहीं आएगा एंड कोई फरफर की आवाज़ नहीं आएगी, बहुत अच्छा आपका सबवूफर चलेगा। अगर आपके फ्रेंड्स कोई क्वेश्चंस हो, कोई आपकी क्वारी हो, आप प्लीज़ मुझे फ़ोन भी कर सकते हैं, आप नीचे कमेंट भी कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं फुल डिटेल वीडियोस दोस्तों अब इसलिए नहीं बना रहा हूँ क्योंकि मैं एक जैसे बच्चे को 1st, 2nd, 3rd क्लास की में जो जो नॉलेज दी जाती है मैं वैसे बेसिक टू एडवांस नॉलेज में जाना चाहता हूँ, सीधा ही नहीं मैं बेसिक एडवांस नॉलेज में चले जाना चाहता। अगर बच्चे को शुरू का ही नहीं पता तो एंड का क्या पता होगा, ये मेरा ऐसा मानना है। अभी ही अगर मैं फ्रीक्वेंसी चार्ट्स एंड ऑल दैट अगर वो सब स्टफ अगर दिखा दूं तो लोग बोलेंगे कि भैया ये है क्या चीज़, हमें तो ये पता ही नहीं है। तो इसलिए मैं अभी ये वाली वीडियोस बना रहा हूँ, आने वाले टाइम में मैं वो वाली वीडियोस भी बनाऊंगा सब कुछ एक्सप्लेन करके,
ठीक है दोस्तों, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सबका धन्यवाद वीडियो देखने का।